गाजा के राफा शहर के हर कोने में त्राही त्राही मची हुई है। हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड के साथ गाजा के तमाम छोटे बड़े प्रतिरोधी समूह इजरायली फौज पर हर घड़ी भीषण हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इजरायली फौज राफा के भीतर करहाने लगी है। और अब ऐसा लगता है कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाना इजरायली सेना के लिए एक सपना ही रह जाएगा। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह हमास के ये भयानक हमले हैं, जिनका तोड़ इजरायली सेना के पास नहीं है। और अब इसी कड़ी में गाजा की अलग अलग जगहों पर आईडीएफ पर भीषण हमले हुए हैं। अलकासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने पश्चिमी रफा के तलाल सुल्तान इलाके में 105 अलियासीन रॉकेट से आईडीएफ के दो मरकावा टैंकों को उड़ा दिया। और इसी इलाके में अलकासिम ने आईडीएफ के एक हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की है। और इसी दौरान दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में तैनात इजरायली फौजियों पर भी आग के गोले बरसाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों ही हमलों में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। और जब अलकासिम हमले कर रही थी, तब अलकुद्स ब्रिगेड ने भी रफा के दक्षिण पश्चिम में तलजोरोब इलाके में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर दनादन हैवी मोटर गोले दाग दिए। इन हमलों के बीच अलकुद्स का कहना है कि उसने रफा के पश्चिम में करेम अबू सलेम मिलिट्री चौकी पर भी अबाबिल गोले दागे हैं। और कुछ इसी अंदाज में मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी अल जैतून में इजरायली सैनिकों पर पहले तो निगरानी रखी और फिर उनके जमावड़े पर 160 टाइम रॉकेट फायर कर दिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आईडीएफ के कुछ सैन्य वाहन जाते हुए दिख रहे हैं, जिन पर मुजाहिदीन ब्रिगेड रॉकेट फायर कर देती है। वहीं नेटजरी मैक्सिस में तो अलक्सा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला हुआ था। यहां पर अलक्सा ब्रिगेड ने आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल चौकियों पर मोर्टार गोले दागे हैं। वहीं अल जैतून में अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने भी एक बड़ा हमला किया है, जिसका भी एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि मुस्तफा ब्रिगेड के लड़ाके आईडीएफ पर 60 mm कैलिबर मोर्टार गोले फायर कर रहे हैं। मुस्तफा ब्रिगेड ने यह हमला ओमर अल कासिम फोर्स के साथ मिलकर किया है। और यही वजह है कि इन भीषण हमलों की वजह से आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली सेना के 16 जवान घायल हुए हैं। खुद इजरायली मीडिया का मानना है कि हमास अब इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, और इसी वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि दक्षिणी रफा में अलकासिम ब्रिगेड का सफाया करने में आईडीएफ को बड़ी दिक्कत आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही आईडीएफ रफा में मिलिट्री ऑपरेशन बिना लक्ष्य को हासिल किए खत्म कर सकती है।